हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने तीन कलर की वूल ली है। और देखिए इस तरह से मैंने इसको बनाया है। यहाँ पे हाफ कली प्लेन बनाई है और हाफ कली में ये मैंने डिजाइन डाली हुई है। तो ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें फंदे डालती हूँ। तो आप चाहें तो वूल को डबल भी कर सकते हैं या फिर साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। ऐसे फंदे डाल के मैं कंप्लीट करूंगी इस तरह से। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इस तरह से 16 फंदे डालने हैं। मैंने ये 16 फंदे का बनाया है। आप इसको 32 फंदे का भी बना सकते हैं। पेयर के हिसाब से जितना बड़ा आप चाहें उतना फंदे ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पे मैंने 16 फंदे ले लिए हैं। और ये वाला पार्ट्स जो प्लेन बना हुआ है ये मैं बताऊंगी। तो देखिए यहाँ से मैं ऐसे घुमाऊंगी, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लूंगी। उसके बाद देखिए ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए 14 फंदे बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए और बूल को ऐसे किया और इधर से सिलाई को मैंने पलट लिया। यहाँ से अब हम इधर से भी इसको उल्टा बुनते हुए जाएंगे। पूरी रो ऐसे ही बुन लेंगे लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी इस तरह से घुमाते हुए। फंदा आप किसी भी तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ऐसे एक फंदा बढ़ा लिया। उसके बाद देखिए तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए 14 फंदे बनाए, दो मैंने बिना बुने छोड़ दिए और बुन को इधर किया, सिलाई को पलट लिया। इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई। आप देखिए यहाँ पे उल्टी रो पे आ गई हूँ। तो एक फंदा फिर से बढ़ा लूंगी ऐसे। और लास्ट में दो फंदे बिना बुने छोड़ दूंगी। ये देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट लिया। अब देखिए इसी तरीके से हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए और दो फंदे इधर से छोड़ते हुए यहाँ पे 8 फंदे बढ़ाऊंगी और इधर 16 फंदे छोड़ूंगी, जो कि मैं 16 फंदे से मैंने स्टार्ट किया है। सारे फंदे छोड़ दूंगी, 8 फंदे रह जाएंगे जो बढ़े हुए होंगे। तो मैं इतना बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस रो में यहाँ पे 16 फंदे छोड़ दिए हैं दो दो करके। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और देखिए यहाँ पे 8 फंदे बढ़ गए हैं। आप जितना बड़ा बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। जो फंदे मैंने डाले हैं वो मैंने छोड़ दिए, उसके हाफ फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए, 8 फंदे बढ़ा लिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब देखिए इस रो में हम कलर चेंज कर लेंगे और इस रो में कोई फंदा ना मुझे बढ़ाना है ना घटाना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया। और देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए इस रो में सिर्फ 8 फंदे बुनने हैं जो मैंने बढ़ाए थे। यहीं से पलट जाना है इस साइड को। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 बना लिए। उसके बाद अब देखिए हम
यहाँ पे तीसरा कलर इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे फंदा घटाएंगे, दो का एक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे दो का एक कर दिया, अब मैं फंदा एक एक घटाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए तीन और पांच छ सात, सात फंदे ये बुने, और देखिए दो फंदे मुझे आगे से लेने हैं, और यहाँ पे गैपिंग आ रही है तो हम इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के साथ बना देंगे। ऐसे दो का एक कर दिया, जो फंदा उठाया वो मैंने यहीं पे घटा दिया, ऐसे यहीं से पलट लेंगे फिर से। ये देखिए ऐसे, ये देखिए आप दो रो के बाद फिर से मैं कलर चेंज करूंगी, ये वाला कलर लगाऊंगी, यहाँ पे दो का एक कर दूंगी। अब देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बुने, दो इधर से लेने हैं। उससे पहले मुझे यहाँ से एक फंदा उठा लेना है ऐसे, और दो का एक कर देना है। ये देखिए दो का एक कर दिया, उसके बाद एक फंदा और आगे से ले लिया, यहीं से फिर से पलट लिया। ये देखिए इस तरह से, अब देखिए यहां से फिर से मैंने पलट लिया उल्टे तरफ से, फिर से हम यहां से कलर चेंज कर देंगे, दो का एक कर देंगे ऐसे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे ये बना लिए, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और इस फंदे के साथ बना देंगे ऐसे इस तरह से, और यहाँ से पलट लेंगे, इसको उल्टा बना देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको बनाते हुए जाना है। आप देखिए इसी को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे, दो फंदा इधर से लेंगे, और यहाँ तक पूरा बना लेते हैं। आठ फंदे टोटल एक एक करके घट जाएंगे, और दो दो करके ये सारे यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये कली बन के कम्प्लीट हो गई, और यहाँ तक मैंने सारे फंदे ले लिए, और यहाँ पे एक एक करके आठ फंदे घटा दिए हैं, और अब मेरे पास फिर से 16 फंदे बचे हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16। अब देखिए हम फिर से यहाँ से येलो कलर लगाएंगे, और इस वाली बुन को हमें साथ में ही ले आना है इधर से। ये देखिए यहाँ से इस रो में कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इसको हम ऐसे ही बना लें। सोलह फंदे पूरे बुन लेंगे इधर से भी, और एक रो उधर से भी। ये देखिए इस तरह से, अब देखिए यहां से हम इसे उल्टा बना लेंगे। यहां से दूसरी कली स्टार्ट हो रही है, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहां से हम एक एक फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इधर से दो दो फंदे छोड़ना शुरू करेंगे, और देखिए दो दो फंदे छोड़ते हुए 16 फंदों तक हम इसको छोड़ेंगे, आठ फंदे बढ़ाएंगे जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया था, और इसी तरीके से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। और देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है, लास्ट में इतना सिर्फ ये सिल जाएगा टोटल पूरा ऐसे बनके। तो यहाँ पे ये छह कली में पूरा हो गया है। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो हो सकता है आठ कलियाँ भी बन जाएं, या फिर और ज़्यादा हो जाएं। तो इस तरह से इसको बना के कंप्लीट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।